हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्विचबोर्ड को हम कैसे आसानी से घर में साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सी ट्रिक, जिससे आप आसानी से घर में स्विचबोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे शेविंग फोम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, जब भी आप ऐसे क्लीनिंग कर रहे हो तो आप पहले अपने घर का मेन स्विच बंद कर लीजिए, और जिस रूम में आप काम कर रहे हो उस रूम का MCB भी बंद कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें इस फोम को अच्छे से शेक करके लेना है, फिर हमें इसे थोड़ा सा निकाल के लेना है, और इस ब्रश की सहायता से, मैंने यहाँ पे टूथब्रश लिया है, इसे अप्लाई करना है। इस तरह से हमें पूरे स्विच बोर्ड पे इसे अप्लाई करना है। और इसी तरह हमें इसे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मैं इसे अभी लगा के 5 मिनट तक रखती हूँ, तब तक वीडियो पॉज करती हूँ। पाँच मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो फोम लगाया था स्विच बोर्ड पे अभी तक वैसा ही है। अब देखिए, ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता, इसकी वजह से अंदर पानी जाने की संभावना भी नहीं रहती, तो इसकी वजह से आपको शॉक भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अब जब भी विनेगर या सोडा या लिक्विड सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो ये जो होल्स हैं इनमें पानी जाने की संभावना रहती है, तो उससे आपको बाद में जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो चलिए मैं अभी आपको ये साफ करके दिखाती हूँ एक ब्रश की सहायता से। हमें इसे हल्के हल्के घिसना है, ये देखिए ये साफ भी होना शुरू हो गया। मैं आपको एक कपड़े से इसे पोंछ के दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी तरह इसका मैल निकल चुका है। तो मैंने अभी पूरी तरह से स्विच बोर्ड को घिस लिया है, अब हम इसे एक कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। आपको पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप फोम यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इस पर स्प्रे मत कीजिए स्विच बोर्ड पे। मैंने जिस तरह दिखाया ब्रश से लगाने का, वैसे ही लगाइए। ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इस तरह से हम साइड में और ऊपर से भी इसे अच्छे से पोंछ लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमारा स्विच बोर्ड पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने घर में स्विच बोर्ड क्लीन कर सकते हैं सिर्फ शेविंग फोम की सहायता से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।